Hello students, in this video I am explaining to you the solution to a 2 cross and m cross 2 games. We use graphical method to solve such type of matrix games. Now first we will discuss about 2 cross n. What does a 2 cross n game look like? This is the example. 2 means player A has only two strategies, A1 and A2, whereas player B has n number of strategies. In this example, player B has only 4 strategies. Now this game cannot be solved by our first method, that is saddle point method, because there exist no saddle point. इस गेम में कोई भी saddle point exist नहीं करता. सिमिलरली ये एक 2x2 साइज़ का मैट्रिक्स भी नहीं है. तो जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड रह जाता है, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड. हालांकि हम इसको 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डोमिनेंस रूल, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया है दैट यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, देन हाउ वी विल सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए, मेथडोलॉजी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले जो मैं मेथडोलॉजी है वो 2x n गेम के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ. मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर पे होना चाहिए, बट मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहीं पे इसको प्लॉट किया है. क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दिस 0-0 लाइन इज़ दी प्रोबेबिलिटी लाइन. प्रोबेबिलिटी लाइन क्या है, क्योंकि ए जो है दोनों ही स्ट्रैटेजी चूज़ करेगा, तो A1 स्ट्रैटेजी चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है x, तो A2 को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1-x. तो हमको x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1-x. तो ये 0-0 जो है प्रोबेबिलिटी लाइन ही है, और ये जो वैल्यू है दिस इज़ 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है 0 to 1 की रेंज में लाई करता है. तो ये जो है पॉइंट, दिस डिनोट 0 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0.09 एंड दिस विल बी आर 1. यहाँ पर मैंने ये जो 2 आपको एक्सेस दिख रहे हैं, दिस शोज़ आर स्ट्रैटेजी A1 एंड दिस इज़ A2. ये 2 जो हैं हमारी प्लेयर A की स्ट्रैटेजीज हैं. ये A1 स्ट्रैटेजी को डिनोट कर रहा है और ये जो स्ट्रैंड है ये A2 स्ट्रैटेजी को डिनोट करता है. अब इसमें जो है हम बाकी की जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको प्लॉट करेंगे, B1, B2, B3 एंड B4. किस तरह से प्लॉट की जाती हैं देखिए. टू प्लॉट स्ट्रैटेजी B1 वी हैव पॉइंट ऑन A1 स्ट्रैटेजी, दैट इज़ 8. तो A1 पे हम 8 पॉइंट पे इसको इस तरह से मार्क करेंगे. सिमिलरली ऑन A2 द पॉइंट इज़ -6. -6 हमारा इधर लाई करता है डाउनवर्ड्स. बिलो द 0-0 लाइन दीज वैल्यूज़ आर नेगेटिव एंड अबव द 0-0 लाइन वैल्यूज़ आर पॉजिटिव. सो -6 लाइज बिलो 0-0 और प्रोबेबिलिटी लाइन. तो अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं B1 स्ट्रैटेजी के लिए. इन दोनों पॉइंट्स को हम जॉइन कर देंगे तो हमारे पास B1 स्ट्रैटेजी प्लॉट हो जाएगी. देखिए, एग्ज़ाम में आप ग्राफ पेपर पे ही इसको प्लॉट कीजिएगा ताकि एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएँ, अदरवाइज आंसर में डिफर. तो इस तरह से मैंने ये B1 स्ट्रैटेजी को प्लॉट किया है. सिमिलरली आई विल प्लॉट माय स्ट्रैटेजी B2. फॉर B2 पॉइंट ऑन A1 इज़ 5, दिस इज़ 5 एंड पॉइंट ऑन A2 इज़ 6 एंड दिस इज़ 6. विल जॉइन दीज टू ऑल्सो.
this is our B2 strategy. हर लाइन के ऊपर उस स्ट्रैटेजी का नेम लिखेंगे ताकि हमको आइडेंटिफाइड रहे कि ये कौन सी स्ट्रैटेजी है. नाउ नेक्स्ट इज B3. फॉर B3 वी रिक्वायर -7 ऑन A1, -7 ऑन A1 एंड 4 ऑन A2. विल जॉइन दीज टू ऑल्सो. तो ये हमारा B3 हो गया. इसी तरह से B4 को भी प्लॉट करेंगे. B4 इज 9 एंड -2, 9 हेयर एंड -2, दिस इज -2. विल जॉइन द लाइन्स, जॉइन द पॉइंट्स. This is B4. Now, if you remember, the strategy chosen by A is maximin. Maximin strategy choose karta hai player A. What is meant by maximin is that first we'll identify the minimum values, and out of those minimum values, the maximum value is chosen. So that is called maximin strategy. सो हेयर ऑल्सो द प्लेयर ए विल चूज मैक्सिमम स्ट्रैटेजी. तो अभी हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक कॉमन एरिया आइडेंटिफाई करेंगे, मिनिमम कॉमन एरिया, क्योंकि मिनिमम वैल्यूज चाहिए हमको. तो जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं, उन सभी स्ट्रैटेजीज का जो कॉमन एरिया है वो हमको फाइंड आउट करना है. सो दिस इज B1. B1 का जो है मिनिमम एरिया ये वाला एरिया है. दिस इज मीन्स दिस एरिया इज द मिनिमम एरिया, मीन्स टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड. B2 का जो है ये वाला एरिया, दैट इज द मिनिमम एरिया. फॉर B3 इट्स दिस वन एंड फॉर B4 इज दिस वन. तो कॉमन एरिया जो है, कॉमन एरिया हमारा ये आ जाएगा. दिस इज दी, इस पॉइंट से शुरू करके कॉमन, यानी कि जो 4 हमारी स्ट्रैटेजीज हैं उन 4 स्ट्रैटेजीज का कॉमन एरिया. तो ये जो एरिया है, दिस इज दी कॉमन एरिया शेयर्ड बाय फोर स्ट्रैटेजीज ऑफ बी. And this area we have to find out below the, or you can say towards the downward area. Downward area चाहिए हमको, क्योंकि हमको minimum values निकालनी है. और इन minimum values का हमको maximum point देखना है. तो इनका जो maximum point है, that is this point. This point is the maximum point of this common area. ये एक triangle की shape में है और इस ट्राइंगल का जो टिप है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है. तो इस मैक्सिमम पॉइंट से वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द 0-0 लाइन. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जहां पे 0-0 लाइन को कट करता है, दैट शोज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये जो वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है. और इस केस में ये कितना है, 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4. तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है, दैट इज 0.4 एंड 1 माइनस x विल बी 0.6. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम, ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ आप यहाँ पर मेजर करेंगे. तो ये जो लेंथ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम. ये अराउंड नेगेटिव वैल्यू आ रही है और ये करीबन 0.5 लग रहा है मुझे ऐसे. बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले. बट ये अराउंड 0.5 आ रही है, लेस देन 0.5 रैदर. सो इट्स अराउंड 0.4 आई सपोज. तो वैल्यू ऑफ
गेम इज अगेन माइनस 0.4 एंड वैल्यू ऑफ x इज 0.4. ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ 2×n गेम. एंड हाउ टू सॉल्व अ m×2 गेम जो है ये इस तरह से होता है, जिसमें b के पास केवल दो स्ट्रैटेजीज हैं, b1 एंड b2, वेयर एज a कैन हैव m नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वी हैव 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ a. सेम प्रोसीजर है, द ओनली डिफरेंस इज कि b जो है, b की स्ट्रैटेजी होती है मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी होती है. दैट मींस कि इसमें जो कॉमन एरिया आएगा, उस कॉमन एरिया को हम अबव दी 0-0 लाइन वाला एरिया लेंगे, पहली बात. तो दूसरा, पहले मैक्सिमम एरिया लेंगे और उस मैक्सिमम एरिया का मिनिमम पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, प्रोसीजर वही है, a1, a2, a3, a4 प्लॉट करने का तरीका सेम है. द ओनली डिफरेंस इज द स्ट्रैटेजी प्लेड बाय बी. यहाँ पर x और 1-x नहीं निकालते हैं, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्ट्रैटेजी बी इज y एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग b2 स्ट्रैटेजी विल बी 1-y. तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ गेम. नाउ लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व दिस गेम. प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम. सो हेयर वी विल प्लॉट b1 एंड हेयर b2. वी अगेन हैव सिमिलर 0-0 प्रोबेबिलिटी लाइन. एंड नाउ वी विल प्लॉट आर स्ट्रैटेजीज a1, a2, a3 एंड a4. फॉर a1 स्ट्रैटेजी वी रिक्वायर -7 पॉइंट एट b1. सो -7 इज दिस एंड 6 एट b2. इनको हम जॉइन करेंगे. थोड़ी सी कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है, बिकॉज आई एम यूजिंग कैमरा ऑल्सो. इतना ईजिली मेरे लिए इसको ड्रॉ करना हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, बट द प्रोसेस रिमेन सेम. नाउ टू प्लॉट a2 वी रिक्वायर 0.7 ऑन b1 एंड -4 ऑन b2 एंड वील जॉइन दिस. This was a1 and this is a2. Now for a3 we require -4 on b1, -4 here and -2 on b2. This is -2. So we'll join these points too. This is our a3 strategy. Now for a4 we require 8 and -6. Now 8 is here and -6 is here. This is our strategy a4. Now we will again find a common area, but this time above the 0-0 line, or maximum area hum choose karenge. So that means a1 ke is taraf wala area jo hai, a2 jo hai ye hai hamara, a2 ka ye wala point ho gaya, and a3 se to above sara hai hi, aur a4.
तो ये हमारा कॉमन एरिया है, देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये, तो तीन स्ट्रैटेजी से मिलके हमारा ये कॉमन एरिया बन रहा है। ए वन स्ट्रैटेजी है ये हमारी यहाँ तक ए टू स्ट्रैटेजी है और ये वाली ए फोर स्ट्रैटेजी, तो दिस बिकम्स द कॉमन एरिया। तो इस कॉमन एरिया का मिनिमम पॉइंट ये है, सेम वही मिनिमम पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर है प्रोबेबिलिटी लाइन पे जहाँ कट करती है तो दैट विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है दैट विल डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गेन। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ मैं आपको बताती हूँ। वेल y इज़ 0.4 एंड वैल्यू ऑफ गेम इज 7/12। अगर एक कॉमन पॉइंट आने की बजाय आपके पास एक फ्लैट सरफेस आ जाता है, लेट सपोज दिस इज लाइक दिस, और क्योंकि ये दोनों ही लीस्ट पॉइंट्स हैं तो वैल्यू ऑफ गेम तो वही रहेगा बिकॉज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस विल बी दी वैल्यू ऑफ वाई और एक्स। तो वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी, इट विल रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर वो एक फ्लैट सरफेस है तो वाई जो है इतना भी हो सकता है और वाई यहाँ तक भी हो सकता है, तो वो एक वैल्यू होगी जिसको कि आप सिंगल वैल्यू देने के बजाय आप एक रेंज फिक्स करेंगे, तो दैट इट रेंजेस फ्रॉम 0.4 टू लेट सपोज द नेक्स्ट पॉइंट इज 0.6, तो वैल्यू ऑफ वाई रेंजेस फ्रॉम 0.4 टू 0.6। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ 2×n और m×2 गेम्स। जो लास्ट हमारे पास है दैट इज m×n गेम्स। दीज टाइप्स ऑफ गेम्स कैन ऑल्सो बी सॉल्व बट दीज आर बियॉन्ड द सिलेबस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस स्टडी, सो वी विल लीव इट हेयर ओनली। And this covers our game theory. I hope it's clear to everyone. And in case you face any difficulty, then please message me or call me. I'm available 24/7 to you. Till then, take care.